सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको प्रतिदिन एक न्यू मेडिसिन की जानकारी देते रहते हैं दोस्तों। वैसे ही आज बहुत अच्छी कारगर दवा लेकर आपके सामने आ गए हैं दोस्तों, जिसका नाम मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर है, जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। इसके डोज के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में सब कुछ जानेंगे दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आयुर्वेद की मेडिसिन की जानकारी बहुत सारे लोगों के पास नहीं, उनके पास भी आयुर्वेद मेडिसिन की जानकारी बहुत सारी दोस्तों, और वो आसानी से आयुर्वेद का यूज कर सकें और अपनी बीमारी को दूर कर सके दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर के बारे में। यदि फार्मेसी का आता है, पतंजलि फार्मेसी का आता है दोस्तों, तो इसमें क्या कंटेंट है, किस लिए कार्य करता है, ये सब बताएंगे दोस्तों। बस वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, वरना आपको वीडियो के बारे में थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, दवाई के बारे में आपको थोड़ा भी जानकारी समझ में नहीं आएगी दोस्तों, कैसे यूज करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं बस मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर के बारे में। तो मधुनाशिनी वटी, जिसको भी डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा डायबिटीज से परेशान है दोस्तों, उसको मधुनाशिनी वटी का यूज करना चाहिए दोस्तों। कंटिन्यू इसका सुबह शाम दो दो टैबलेट या एक एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद ले सकता है दोस्तों कोई व्यक्ति। बस एज के हिसाब से देना चाहिए। नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं, ज्यादा एज वाले को डायबिटीज का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, कम एज वाले को बहुत कम ही केस में देखने को मिलता है दोस्तों। बट हाँ, डायबिटीज सबको होता है। तो जो भी बहुत ज्यादा डायबिटीज से परेशान है, डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गया, जिसका शुगर शुगर बहुत ज्यादा भाग गया हो, शुगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो, तो उसको मधुनाशिनी वटी का कंटिन्यू यूज करना चाहिए दोस्तों सुबह शाम, क्योंकि इसमें जो कंटेंट डाले गए हैं बहुत ही पावरफुल कंटेंट डाले गए हैं दोस्तों मधुनाशिनी वटी में। यदि फार्मेसी पतंजलि का आता है, बाबा रामदेव का, तो इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है डायबिटीज पेशेंट के लिए, बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें क्या कंटेंट है ये सब भी जानते हैं दोस्तों। आइए हम जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में। इसमें पहला जो कंटेंट डाला गया है, गिलोय का डाला गया है। गिलोय हमारे डायबिटीज को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है और बहुत अच्छा वर्क करता है डायबिटीज पेशेंट के लिए। इम्यूनिटी भी बनाए रखता है, क्योंकि डायबिटीज में इम्यूनिटी भी कमजोर होता है, आपकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं, आपका वजन भी वेट भी लॉस होता है, वजन भी कम होता है दोस्तों। इसलिए इसमें गिलोय का भी कंटेंट डाला गया, जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी बरकरार रखेगा, इम्यूनिटी बनाए रखेगा। उसके बाद आता है करेला, जो कि डायबिटीज को एकदम कंट्रोल में रखता है, आप भी जानते हैं दोस्तों। बेलपत्र आता है, बेलपत्र डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है। डायबिटीज के पेशेंट को बेलपत्र दिया जाए तो उसका डायबिटीज कंट्रोल में जरूर रहता है दोस्तों। उसके बाद अपना एक कंटेंट आता है गुड़मार। गुड़मार भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा कारगर दवा मानी गई है, औषधि मानी गई है दोस्तों। इसमें गुड़मार का भी कंटेंट डाला गया है। इसके बाद आता है हरड़ का। हरड़ भी डायबिटीज से अच्छा काम करता है दोस्तों, पेट साफ करता है, जिससे इंसुलिन का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप इसमें हरण का भी कंटेंट डाला गया है। इसके बाद एक कंटेंट आता है गोखरू का। गोखरू का भी कंटेंट डाला है, जो क्या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और किसी किसी को यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा, साथ में आपके डायबिटीज को भी मेंटेन में रखेगा दोस्तों। इसलिए इसमें गोखरू का कंटेंट डाला गया है। उसके बाद आता है इसमें हल्दी का कंटेंट डाला गया है, मेथी डाला गया है, और उसका डाला गया है अश्वगंधा का कंटेंट डाला गया है दोस्तों। ये जितने भी मैंने तीन औषधियां बताई दोस्तों, ये तीनों औषधियां मिलकर डायबिटीज के लिए इतना अच्छा वर्क करती है दोस्तों कि आपको मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा वर्क करती है। सुगंधा आपको ताकत देगी और मेथी आपका एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी दूर करेगी दोस्तों। उसके बाद एक कंटेंट आता है नीम का। नीम भी डायबिटीज को बहुत अच्छा कंट्रोल रखता है। उसके बाद एक कंटेंट आता है कालमेघा का। कालमेघा भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों। इसके बाद आता है इसमें शुद्ध शिलाजीत का कंटेंट। शुद्ध शिलाजीत बहुत अच्छा वर्क करता है डायबिटीज पेशेंट के लिए, उनका डायबिटीज मेंटेन रखता है और उनको इम्यूनिटी बरकरार रखता है, इम्यूनिटी बनाए रखता है दोस्तों। इसलिए इसमें शुद्ध शिलाजीत का भी कंटेंट डाला गया है दोस्तों। इसके बाद आता है अपना आंवला। आंवला भी डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा वर्क करता है, उनको गैस एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा वर्क करता है दोस्तों। इसके बाद इसमें कई सारे कंटेंट हैं जो कि बहुत अच्छे और पावरफुल डाले गए हैं, जैसे जामुन डाला गया है, काली जीरा है, चिरेता है, कुटकी है। कुटकी तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों, इसलिए कुटकी का भी कंटेंट डाला गया है। जामुन का बीज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, सिर्फ जामुन का यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो कंटेंट डाले गए हैं बहुत ही पावरफुल कंटेंट है, इस वजह से इसमें जामुन का कंटेंट के साथ साथ बहुत सारे कंटेंट हैं, तो इसलिए जामुन भी डाला गया है, जो कि डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों। इसके बाद एक आता है काउच बीज का आता है, वो भी कुलचा डाला गया है, और वंग भस्म डाला गया है, लौंग का भी भस्म डाला गया है दोस्तों, लौंग भस्म डाला गया है, और अतिश डाला गया है। इतने जितने भी कंटेंट मैंने बाद में आपको बताया काली जीरा के साथ, ये पावरफुल कंटेंट है कुटकी डायबिटीज के लिए। चिरेता डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, जिसका भी डायबिटीज बहुत ज्यादा हो, शुगर बहुत ज्यादा हो, हाई लेवल पे शुगर हो, उसके लिए बहुत अच्छा ही कंटेंट है, बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। यदि आपको इंसुलिन का प्रॉब्लम है, इंसुलिन बार बार लग रहा है, इंसुलिन का डोज ज्यादा है, तो आपको धीरे धीरे यदि आप कंटिन्यूस का यूज करते हैं मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर का, तो ये आपके डायबिटीज एकदम कंट्रोल में ला देंगे, आपका इंसुलिन बंद कर देंगे दोस्तों। इसलिए इतने सारे कंटेंट मैंने आपको बता दिया, उसके कार्य भी बता दिए दोस्तों। बस आपके हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी दोस्तों।
किसी भी दवाई का यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें दोस्तों। और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।